पास्ट कंटिन्यूअस। प्यारे बच्चों पास्ट मुखरित का परिचय समाप्त हो गया है, आज पास्ट कंटिन्यूअस का परिचय शुरू हो रहा है। पहले देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या है, एक्टिव वर्ब आता है वाज और वर, सिंगल नंबर सब्जेक्ट हुआ आई के साथ वाज, सिंगल नंबर साथ वर। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सिंगल नंबर सब्जेक्ट हुआ आई के साथ वाज भी और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ज। अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर आता है, वर के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आता है, ऑब्जेक्ट और अन्य। जब पैसिव बनाते हैं तो वह बताना नहीं क्या, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस के आते तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। इस नए सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, बीइंग लगाते हैं, वर का मेन वर का थर्ड फॉर्म आता है वाई का प्रयोग करते हैं, और जो सब्जेक्ट आता है उसको ऑब्जेक्ट बना के उसके पहले वाई लगा देते हैं। मधु वाज सेलिंग पाया जान जो मधु सड़क पर खिलौने बेच रही थी, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है वाई, इसको हमने क्या बनाया सब्जेक्ट बना दिया। जब सब्जेक्ट बना लिया तो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो गया, वर बीइंग हो गया, सेल का थर्ड फॉर्म होल्ड हो गया, ऑन दी रोड बाय मधु। अगर आप बाय मधु ऑन दी रोड लिखते हैं तब भी सही है, या ऑन दी रोड बाय मधु लिखते हैं तब भी सही है। दे वर मीटिंग मी इन दी क्लास स्टडी, यहाँ क्या हो गया अभी ऑब्जेक्ट है आई बनाया, आई के अकॉर्डिंग क्या आ गया वाज आ गया, आई वाज बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग दो होते हैं, तो आई वाज बीइंग मीटर इन दी क्लास स्टडी बाय देम। निगेटिव देखिए पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, नॉट प्लस बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय का प्रयोग, न्यू ऑब्जेक्ट, फिर अन। जैसे They were not reading newspaper, क्या बन गया newspaper was not being third form, by का प्रयोग, दे का क्या बन गया दिन बन गया। मिस्टर राजेश वाज नॉट टीचिंग देम इंग्लिश, देम से बनाया क्या बन गया दे, हेल्पिंग वर्ब वर्ब नॉट है तो नॉट, बीइंग टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, दे वर नॉट बीइंग टॉट, क्या नहीं पढ़ाया गया इंग्लिश, जिसके द्वारा बाय मिस्टर राजेश, जब इंग्लिश से बनाते हैं यहां हो गया वाज नॉट इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट,
बायोलॉजिकल साबजेक्ट। इंट्रो की अच्छी देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट नॉट होगा तो नॉट बीइंग बाय का प्रयोग, न्यू ऑब्जेक्ट जैसे वाज शी बाइंग, क्या बनेगा, वाज ए न्यू फ्रॉग, नॉट तो है नहीं तो बी बॉट बाई हर एक्टर। सेकेंड नंबर वर यू नॉट रिमेंबरिंग ए नाइस स्टोरी इन द क्लास, दो आपके देम और ए नाइस स्टोरी, पहले नाइस स्टोरी से बनाते हैं, तो वाज ए नाइस स्टोरी नॉट बीइंग टोल्ड देम इन दी क्लास बाय यू, जा रहा है बाय यू टोल्ड से देम बाय यू इन दी क्लास लिखे या देम इन दी क्लास बाय यू, वही लिखे देम से बनाए, वर दे नॉट है तो नॉट बी, वर दे नॉट बी टोल्ड ए नाइस स्टोरी बाय यू इन द क्लास। एक हुआ क्या होता है जिसमें कि हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाता है, अब इंट्रो के एंडिंग में ये डब्ल्यू एस टाइप देखिए, अगर डब्ल्यू एस टाइप आ जाता है तब क्या हो जाता है, एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड, पैसिव में क्वेश्चन वर्ड, पहला
व्हाट वाज डूइंग इन द क्लास स्टडी। ध्यान दीजिए इसमें आप जिक्र नहीं है, मैं अभी पहले बताया था व्हाट वाज बीइंग डन in the class by him yesterday। दूसरा why was Nidhi not asking you a question। तो why don't इसी तरह लिखिए। अब you से बनाए were you not है why were you not being why were you not being asked a question by me। और जब ये क्वेश्चंस बनाए तो why was a question not being you by me। Which pen was he stealing in the class? Which pen was being which pen was being in the class by him। अब वो वाला देखो फिर एक ही समाप्त होता है पहला who was giving the bell in your school। वो किसमें बना लिया जाता है by whom was the bell being rung in your school। अगर नार वाला आ जाए who are not helping you in the class, who किसमें बना दिया जाता by whom you not being by whom were you not being helped in the class। प्यारे बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव समाप्त हुआ। अब आगे आपको पास्ट परफेक्ट
वैकेंसी का पैसिव पढ़ाया जाएगा। इनको बीच बीच में आप दोहराते रहिए। जो कक्षा 10, 11 और 12 के विद्यार्थी हैं वो पहले भी पढ़ चुके हैं, 9 वालों के लिए थोड़ा सा नया है, उनको कक्षा 8 वैकेंसी पढ़ा दिया जाता है, उनके लिए भी यह ठीक रहेगा।